महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के चलते हालात दिन ब दिन भयावह होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने नागपुर में एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितिन राउत ने गुरुवार को इसका पालन करते हुए कहा कि शहर में 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आपद सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं रहेगी। नागपुर नगर निगम ने बुधवार को कहा था कि कोरोना के नए मामले महिलाओं और 20 से 40 वर्ग आयु के लोगों में आ रहे हैं। नागपुर नगर निगम के कमिश्नर राधाकृष्ण बी ने बुधवार को कहा था कि लोग महामारी को हल्के में ले रहे हैं, बिना उनकी मदद हम इस महामारी पर काबू नहीं पा सकते हैं। सरकार ने सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी है। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर हालत खराब होते हैं तो हम लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। पहले तक यानी 11 मार्च 2020 में पहला कोरोना का मरीज नागपुर में मिला था और हमारे यहाँ लॉकडाउन भी हो गया था उस पीरियड में। आज भी 11 तारीख है, 11 मार्च, और अभी तक हमने जो टेस्टिंग्स की है वो 13 लाख की है। उसमें से 1,62,000 लोग हमको वहाँ जो पॉजिटिव मिले हैं और 1,45,000 लोग रिकवर होकर भी चले गए। 4,415 लोगों का मृत्यु इसमें हो गया है। अगस्त सितंबर में परिस्थिति गंभीर हो गई थी, तो नवंबर से नॉर्मल आने के बाद कल 10 तारीख को 24 घंटे में 1,710 मरीज ये पॉजिटिव पाए गए, जिसके वजह से हमारे शहर में और ग्रामीण के कुछ इलाके में कोरोना का प्रसार बहुत तेज़ी से बढ़ता हमको नज़र आ रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण में सावनेर, हिंगना, कामठी, काटोल और रामटेक, इस एरिया में, क्षेत्र में कोरोना के मरीज बड़े पैमाने पे दिखाई दे रहे हैं। और शनिवार और इतवार को हमने बंद भी रखा था यहाँ पर, उसको हमारे जनता ने उतना गंभीरता से लिया नहीं। और जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे वो घूमते हुए पूरे नज़र आए यहाँ पर, जिससे परिस्थिति और गंभीर बन गई है। बार बार लोगों को आह्वान करके और उनको ताकीद देने के बावजूद भी कोई किसी भी प्रकार का डर नहीं, ऐसी इस प्रकार से लोगों ने व्यवहार यहाँ किया। आपको याद होगा कि आपके माध्यम से मैं पिछले वक्त कहा था कि लोगों ने खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मुझ पर ऐसी कोई आपत्ति ना लाई जाए कि मैं शहर में लॉकडाउन कर सकूं। लेकिन कल की स्थिति न देखने के बाद आज मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ रहा है। इस निर्णय में नागपुर शहर में बढ़ती हुई तेज़ी से कोरोना बाधितों की संख्या देखते हुए 15 मार्च से 21 मार्च तक के शहर में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। यह लॉकडाउन पुलिस आयुक्तालय का जो सीमा है उस सीमा के भीतर रहेगा, जिसमें एनएमसी भी आती है। इस लॉकडाउन में कड़क ऐसी संचार बंदी रखने का पुलिस विभाग को मैंने निर्देश दिया है। लॉकडाउन में उद्योग चालू रहेंगे, इस दरमियान प्राइवेट ऑफिसेस पूरी तरह से बंद रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसेस में 25% उपस्थिति की परमिशन दी गई है। प्राइवेट तथा सरकारी, निम्न सरकारी कार्यालयों में चूंकि मार्च एंडिंग है और इसमें आर्थिक विषयक, लेखा विषयक जो भी काम है उससे संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को
पूरा क्षमता से काम करने का हमने तो उनको इजाज़त दी है। वैद्यकीय पैरामेडिकल और अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेगी। माध्यम प्रतिनिधियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर शहर में मूवमेंट करने की इजाज़त रहेगी, लेकिन आपके माध्यम से ही मैं सभी माध्यम के प्रतिनिधियों से अपील करना चाहूँगा कि वे शहर में घूमते वक्त खुद का स्वास्थ्य अच्छा रखने के हिसाब से RT-PCR करें, और RT-PCR का प्रमाण पत्र जो होता है जिसमें निगेटिव आता है वो साथ में रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक दारू बिक्री की दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद रहेगी, लेकिन उनकी ऑनलाइन बिक्री शुरू रहेगी। खाने के जो पदार्थ है उसकी घरपोच सेवा रहेगी खाद्य पदार्थों की, और लसीकरण हमारे यहाँ हम शुरू रखने वाले हैं। लसीकरण में जो वैक्सीनेशन जो है उसके लिए तकरीबन 131 सेंटर्स हमारे पूरे ज़िले में हैं, शहर मिलाकर ग्रामीण मिलाकर, और हमारा लक्ष्य है कि 2 लाख लोगों को हम वैक्सीनेशन करें। उसके लिए मैं आपके माध्यम से तमाम सांसद, विधायक, जिला परिषद सदस्य, नगर सेवक एवं सभी लोक प्रतिनिधि तथा स्वयंसेवी संस्था, इनसे नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, आह्वान करूँगा कि वैक्सीनेशन के मोमेंट में जनता की सेवा करने के लिए वे आगे बढ़कर आए, अपना हाथ दे, और उनके वाहन की व्यवस्था करके उनका ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने का जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उसके लिए काम करें। अत्यावश्यक सेवाओं में बैंक पोस्ट शुरू रहेगी। भाजीपाला, फल, मांस, मच्छियाँ, दूध, अंडी की दुकानें पूरी चालू रहेगी। आँखों के दवाखाने भी शुरू रहेंगे और चश्मे की दुकानें भी शुरू रहेगी। जो लोगों को होम आइसोलेशन में हमने रखा है, हमने देखा है कि कई लोग उनके हाथ पर स्टैम्प भी रहने के बावजूद भी पूरा घर घूमते हैं, या तो घर के बाहर निकलकर बाज़ार में घूमते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को अकस्मात उनके घर पर विजिट करने के लिए हमने एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है NMC के माध्यम से, और वो आकस्मिक उन पर वहाँ जाएंगे और ऐसे जो लोग दिखेंगे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्वारंटाइन सेंटर फिर से शुरू किया जाएगा आमदार निवास में, और जो डॉक्टर लोग उनकी सेवा करते हैं उनके लिए वानामती में रहने का अरेंजमेंट किया जाएगा। नागपुर शहर में लक्ष्मी नगर, मंगलवारी, हनुमान नगर और धर्मपेट, यह क्षेत्र हॉटस्पॉट है और उस पर कड़क संचार बंदी रहेगी। शहर में बेफजूल घूमने वालों पर बंदी लगाई गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनको भी उन पर भी कड़क कार्रवाई के निर्देश हमने दिए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए इन्फेक्शन प्रमाण को देखते हुए शहर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन के बारे में निर्णय माननीय पालक मंत्री साहब ने लिया है, जिसकी घोषणा ऑलरेडी उन्होंने किया है। उसमें जो भी निर्बंध लगाए जा रही है, निर्बंध पुलिस कमिश्नरेट एरिया के लिए लगाया जा रहा है, इसमें नागपुर महानगर पालिका का एरिया आता है और कुछ दूसरे तालुका एडजॉइनिंग एरियाज के कामटी, वाड़ी, हिंगना, इसके पार्ट्स आते हैं। उसके बारे में अधिसूचना कलेक्टर साहब निकालेंगे, उसके तहत जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उसकी अमल बजावनी पुलिस यंत्रणा द्वारा की जाएगी और उसके लिए पुलिस यंत्रणा पूरी तरीके से तैयार है। प्रैक्टिकली जिसको आवागमन जरूरी है या कोई अगर फ्लाइट से आ रहा है या ट्रेन से आ रहा है तो उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करने की जवाबदारी प्रशासन की रहेगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस प्रकार से स्प्रेड हो रहा है कोरोना, उसको रोकने के लिए, चेन ब्रेक करने के लिए
लोग जिस प्रकार की गर्दी मार्केट प्लेसेस पे कर रहे थे, हॉकर्स के पास कर रहे थे, या पूरी शहर में जो गर्दी दिख रही थी उसको रोकने का मेन ऑब्जेक्टिव है। और बिना कारण लोग रास्ते पे नहीं घूमें, लेकिन जो जिसको ज़रूरी है घूमना और कुछ अत्यावश्यक कुछ कोई चीज़ों की ज़रूरत है, या जो 25% गवर्नमेंट ऑफिसेस को अलाउ किया गया है, या जो पोर्ट्स या वो सब जो चालू रहेंगे, उसके मूवमेंट्स को डेफिनेटली हम फैसिलिटेट करें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BC News नागपुर।